बढ़ते कोरोना संक्रमण से देश जहां सख्तमे में है, तो कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री लगातार हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं। तो वहीं बिहार सरकार के मंत्री कोरोना गाइडलाइंस की धजियां उड़ा रहे हैं। दरअसल बिहार सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था, लेकिन मंत्री जी सारी गाइडलाइंस को ताक पर रख कर नियमों की धजियां उड़ाते दिख रहे हैं। वैशाली जिले के लालगंज के मधुसूदन पक में मंत्री जी का नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था, जहां बिहार सरकार से साइंस एवं टेक्नोलॉजी मंत्री सुमित कुमार सिंह को अभिनंदन के लिए आमंत्रण किया गया था, जहां मंत्री जी बेखौफ होकर बिना मास्क के स्टेज पर पहुंचे और लोगों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। इतना ही नहीं, छोटे छोटे स्कूली बच्चे भी मंत्री जी के स्वागत में गाना गाते नजर आए। स्वागत को देखकर ऐसा लग रहा जैसे कोरोना लज्जित होकर कहीं छुप गया हो। अब सवाल ये है कि जब बिहार सरकार के मंत्री की कोरोना के नियम को तोड़ते हैं, तो आम लोगों से नियम पालन करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। युवा हृदय सम्राट सुमित कुमार सिंह जिंदाबाद। मधुबनी नरसंहार मामले में राज्य सरकार की लगातार किरकिरी हो रही है। अब इसी मामले में नीतीश सरकार के खिलाफ बीजेपी नेता ने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मधुबनी नरसंहार मामले में बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने सरकार के खिलाफ हमला बोलते हुए मधुबनी के एसपी और डीएसपी को सस्पेंड करने की मांग कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह मामला गंभीर जांच के दायरे में आता है। साथ ही उन्होंने मुआवजे को लेकर भी चिंता जताई है। एसपी से लोग नहीं डरता है, एसपी का गाड़ी जला दिया जाता है तो डीएम को गाड़ी जला दिया जाता है। मधुबनी में घटना हो चुकी थी ना, एसपी और डीएम की गाड़ी जलाई गई थी, वहाँ एसपी को कान पकड़ के उठ बैठ करवाया था। तो इस तरह का माहौल जो धाक जो होना चाहिए ना, धाक बढ़ना चाहिए। धाक को फ्री हैंड दीजिएगा पुलिस को, तो आज धाक बढ़ेगी पुलिस का। पुलिस थोड़ा